ते हुण सिद्धा रुख करदे आ दांतेवाड़ा जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे ने। प्रणाम, मेरा नाम हर्षिता नाग है। मैं आस्था विद्या मंदिर जावंगा की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, हमने सुना है कि आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं। इतने परिश्रम के बीच यदि आपको तनाव महसूस होता है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं कितने घंटे काम करता हूँ इसका हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं, और एक तो आनंद इसलिए आता है कि मैं गिनता ही नहीं हूं कि कितने घंटे काम किया। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने घंटे ये काम किया वो काम किया तो फिर लगता है हाँ बहुत हो गया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा अपने अनुभव में, जब मास्टर जी ने आपको कोई होमवर्क दिया हो और उस होमवर्क जब मास्टर जी लिखवाते हैं तो ओ ये तो सैटरडे संडे खराब हो जाएगा, साहब टीचर ने इतना लिखवा कर दिया है। लेकिन जब कमरे में जाकर के लिखना शुरू कर देते हैं और होमवर्क पूरा कर देते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही होमवर्क पूरा हो जाता होगा आपकी थकान उतर जाती होगी। आपने देखा कि नहीं ऐसा? काम पूरा होते ही थकान उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? जब तक काम बाकी है तब तक थकान लगती है कि नहीं लगती है? तो एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है, और इसलिए जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते हैं ज्यादा संतोष मिलता है। दूसरा, एक पुरानी कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कोई एक स्वामी जी पहाड़ पर किनारे बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ने जा रही थी। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? तो उसने जवाब नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारे साथ कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम अपने छोटे भाई को लेकर के चढ़ रही हो, तुम्हें थकान नहीं लगती? नहीं नहीं, बोले ये मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने फिर से पूछा, अरे मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही? तो कह रहे, स्वामी जी मैं आपको बता रही हूं ना, मुझे मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य यह था कि जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती, समझे? मुझे 125 करोड़ देशवासी मेरे अपने लगते हैं, मेरे मैं उन परिवार का सदस्य हूं, 125 करोड़ का देशवासियों का मेरा परिवार है। उनके लिए कुछ करने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और मेहनत करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अपनों के लिए जीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? फिर थकान लगेगी? बस यही है इसका कारण। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। सर, मेरा नाम किशन कुमार मंडावी है। मैं सक्षम आवासीय विद्यालय जावंगा में रहता हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? हाँ, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? जीवन को सफलता और विफलता के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। जिस दिन हम
सफलता विफलता, सफलता विफलता इसी के हिसाब लगाते रहते हैं तो फिर निराशा आ जाती है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि एक ध्येय लेकर के चलना चाहिए। कभी रुकावट आए, कभी कठिनाइयां आए, कभी दो कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन अगर उस ध्येय को सामने रखते हैं तो फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो एक तो सफलता और विफलता को जीवन के लक्ष्य को पाने के तराजू के रूप में कभी देखना नहीं चाहिए, लेकिन विफलता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो विफलता से कुछ सीखते नहीं। हम विफल खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।